सो हेलो वेलकम गाइस टू रेस्टोरेंट टेक। मेरा नाम है ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच म्यूज़िक प्लेयर्स के बारे में। इनमें से सारे के सारे ऑफलाइन प्लेयर्स तो है ही, उनमें से एक प्लेयर जो कि ऑनलाइन प्ले भी करेगा तो वो आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा AIMP म्यूज़िक प्लेयर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन सा इसका UI है और जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मेरे को थोड़ी अलग लगी, जो कि आप अपने हिसाब से इसके अंदर लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई यार लाइब्रेरी ऐड नहीं करते ऑब्वियसली तो आपको कोई म्यूज़िक नहीं दिखेगा उसके अंदर। और बाकी जो म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं नॉर्मल, उसी की तरह उसके सारे फंक्शंस है, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इक्वलाइजर भी मिलेगा इसके अंदर ही, उसके साथ ही ये विदाउट एड्स आता है, तो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक प्लेयर लगा मेरे को। और जो इसके एल्बम आर्ट वगैरह वाला हिसाब है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्लेयर और विदाउट एड्स है, तो उसके लिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। जो हम नेक्स्ट म्यूज़िक प्लेयर की बात करने वाले हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है और थोड़ा पायरेसी की साइड पे भी चला जाता है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सब मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा और क्या पता ये वीडियो यूट्यूब डिलीट ना कर दे इसलिए। तो ये म्यूज़िक प्लेयर है वाई म्यूज़िक। ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। अगर आप इसे आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे जाके लिंक्स हैं दो, उनमें से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट लुक में आप इस प्लेयर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक सिंपल सा ऑफलाइन म्यूज़िक प्लेयर है जो आपके फ़ोन में म्यूज़िक है उसको चला देगा। लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर डिस्कवर बटन दबाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये कंप्लीट यूट्यूब क्लाइंट है। यहाँ पे यूट्यूब की एवरी सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी आप उसको चला सकते हैं विदाउट एड्स। उसके साथ ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं MP3 फॉर्मेट में और म्यूजिक फॉर्मेट्स में। उसी के साथ यहाँ पे आप वीडियो को भी ऑफलाइन कर सकते हैं यहीं से। उसी के साथ इसके बाकी जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं यूट्यूब म्यूजिक के, तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये ऐप। और ये ऐप ही आपको मदद करेगी ऑफलाइन म्यूजिक स्टोर करने की और बाकी म्यूजिक प्लेयर्स को पॉपुलेट करने की, जो भी इस लिस्ट में मैं बताने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट प्लेयर मेरे को इसके अंदर ये इसलिए लगा है क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर जैसे फीचर्स तो हैं ही, उसी के साथ ये विदाउट एड्स आता है। ये विदाउट एड्स वाली बात थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अगर आप दिन में एक पहली बार खोलते तो शायद एक ऐड, सिंगल ऐड आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उसके बाद UI में आपको कहीं पे भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा इस ऐप के। उसी के साथ ये पूरा YouTube क्लाइंट है, तो आप YouTube की होल लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो ये म्यूज़िक प्लेयर मेरे को इसलिए सबसे अच्छा लगा, आप आराम से यूट्यूब स्ट्रीम कर सकते हैं, बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप स्विच करना चाहते हैं ऑडियो वीडियो में वो भी कर सकते हैं, सेम फीचर्स आपको बिल्कुल सेम यूट्यूब म्यूज़िक जैसे। फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, मैं पायरेसी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ और यहाँ पर इलीगल डाउनलोडिंग को भी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेज के लिए मैंने आपको इस ऐप के बारे में बताया। तो जो नेक्स्ट प्लेयर हमारी लिस्ट में वो है Boom 3D। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले ये इस ऐप में आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे। यही सिर्फ ओनली एक ऐप हो गई इस पूरे उसमें की, जिसमें आपको UI बेस्ड एड्स देखने को मिलेंगे। तो लेकिन ये प्लेयर मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लगे मेरे को। यहाँ पर आपको अगर आप 3D साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि डायमेंशन पता चलती है कि ऑडियो इस तरफ से आ रही है, सामने से आ रही है, पीछे से, थोड़ा सा जो लगता है, यूट्यूब पर भी आपने कई ट्रैक सुने होंगे जिनको 3D 4D 8D बना दिया जाता है, तो आप इससे अपने ऑफलाइन म्यूज़िक को आराम से 3D बना सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर आप अगर प्रो वर्जन ले लेते हैं तो वहाँ पर आप इसको Spotify से भी लिंक कर सकते हैं अपने Spotify अकाउंट से, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ की ऑडियो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस तो हैं ही, उसी के साथ आपको यहाँ पर इक्वलाइज़र भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हेडफोन्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी अंतर पता चलेगा आप जब इसके थ्रू ऑडियो सुनेंगे। तो ये मैंने इसलिए इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। बाकी आप अगर प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट म्यूज़िक प्लेयर हमारी लिस्ट में म्यूज़िकोलेट, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी कस्टमाइजेबल भी है। उसी के साथ यहाँ पे हमें इक्वलाइजर भी देखने को मिलता है और UI इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐड वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लाइब्रेरीज, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स है तो वो आपके म्यूज़िक प्लेयर में सामने ना दिखे, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसी के साथ यहाँ पे इक्वलाइजर भी मिलता है इसी ऐप के अंदर विद इन द सेम ऐप। इसका UI सबसे बेस्ट लगा है मेरे को, और आपको जो नोटिफिकेशन बार पुल डाउन करके
जो ऊपर वाला टैब आता है वो भी थोड़ा सा अलग दिखेगा इस ऐप के साथ, जो कि एक एडिशनल फीचर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये ऐप जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सब ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी गाइस तो आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, और अगर नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे उसके साथ तो आपको फ्यूचर अपडेट्स की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फ़ोन पे। सो अब आगे चलते हैं वीडियो में। अब जो लास्ट म्यूजिक प्लेयर है हमारी लिस्ट में वो है पल्सर, जो कि काफ़ी जेनेरिक लग सकता है। इसके जैसे काफ़ी सारे आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाएंगे। ये म्यूजिक प्लेयर मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। और इसी के साथ इसमें एक एडिशनल फीचर है कि अगर आपके किसी गाने में एल्बम आर्ट नहीं है तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, अपने आप ऐड हो जाएगा अगर आप वाईफाई या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है तो वो ये डाउनलोड हो जाते हैं सारे एल्बम आर्ट और आर्टिस्ट की फोटोज़ वगैरह। तो उससे आपको एक यूआई में देखते समय भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके साथ ये कस्टमाइजेबल है, लेकिन आपको एक प्रो वर्जन खरीदना होगा जिसके साथ आपको इसका कस्टमाइजेशन और इक्वलाइजेशन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपके फ़ोन में इनबिल्ट इक्वलाइजर है तो। जैसे बाकी ऐप्स में था, इसमें भी कोई एड्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको पूरे यूआई में, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगती है क्योंकि आजकल जितने ऐप्स प्ले स्टोर पे आ रहे हैं सब पे ही यूआई के अंदर एड्स ही दिखाए जा रहे हैं सब लोग। तो ये ऐप्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है अगर आप एड्स नहीं देखना चाहते तो। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं, या फिर आप कोई और इनसे भी बेटर कोई म्यूजिक प्लेयर्स के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में नीचे कमेंट्स डाल के बताइए, मैं उन प्लेयर्स को भी चेकआउट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।